नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। एक्चुअल में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ धीरे लगी मेरी। आज अपने लोग बाघ बकरी के बारे में बात कर रहे हैं। बाघ बकरी के नियर अबाउट मैंने ये जब से मैंने चैनल चालू किया है मोर देन 25 से 30 बार मैं चाय टेस्टिंग कर चुका हूँ और हर बार चाय के अंदर में डिफरेंसेस मिले हैं मुझे उनकी क्वालिटी के अंदर में। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी चाय की कंपनी है वो रेगुलर वे के अंदर में सेम क्वालिटी दे पाए। बाघ बकरी के नियर अबाउट आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, 502 ये एसक्यूज़ है, मानी इस टाइप की पैकेट 502 टाइप की बनाते हैं वो लोग, जिसमें 5, 10, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, सारी तरीके की होती है। एंड और मैं बता दूं, जैसे कि फर्स्ट अपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जो है वो रेड लेबल है, 1 करोड़ किलो चाय बेचती है। और सेकंड आपकी टाटा है जो नियर अबाउट 70 लाख किलो चाय बेचती है। और अपनी थर्ड है वो 45 लाख किलो चाय बाघ बकरी बेच रही है और अभी उनका टारगेट है 50 लाख किलो के आसपास में चारों तरफ मार्केट में, जैसे यूपी के अंदर में भी आ चुकी है बाघ बकरी, दिल्ली में भी कई जगह है, कनकत्ता के अंदर में भी वो एंट्री कर रही है। तो इनका क्या है कि हमेशा एक बेस्ट क्वालिटी देने का एक प्रॉमिस रहता है अपने कस्टमर को और देती भी है कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा सक्सेस भी इसी वजह से है कि एक अपनी क्वालिटी के ऊपर में ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं और चार्जेस भी ये लोग बहुत अच्छा चार्ज करते हैं। जैसे कि आप लोग यदि ये देखते हैं चाय के अंदर में तो 107 रुपया 250 ग्राम का ये लोग चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को। एटलीस्ट वो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या दे रहे हैं या एसएस को क्या दे रहे हैं या किसी को भी क्या दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन कस्टमर को 107 रुपया देता है तो 105 रुपया या 100 रुपया कहीं ना कहीं 400 रुपया किलो पड़ती है। जबकि यही चाय, यही ओएफ की चाय है इस चाय के अंदर में, ग्रेड के अंदर में, और कहीं ना कहीं यही चाय यदि हम 300 रुपया 325 रुपये में भी यदि देने जाएँ तो कस्टमर को ऐसा लगेगा कि नहीं हम सस्ती चाय दे रहे हैं। ये चाय अच्छी है, मार्केटिंग का खर्चा है, सारी बात है, लेकिन जब आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट से बेस्ट चाय हम अवेलेबल करवाते हैं और ये चाहते हैं कि आपका धंधा बेटर वे में चले। चाय बाघ बकरी के अंदर में डाल दी तो बाघ बकरी की हो गई, रेड लेबन में डाल दी तो रेड लेबन की हो गई। आपको ध्यान ये रखना है कि ऑलवेज कि आपकी चाय की क्वालिटी जो है काली नहीं पड़े। सबसे बड़ी चाय के अंदर में जो माइनस पॉइंट होता है वो ये पड़ता है कि चाय बनाने के आधे घंटे, एक घंटे के बाद में या थोड़ी देर के बाद में थोड़ी काली पड़ जाती है। गुजरात की आप जितने भी चाय देखोगे प्राय कर वो काली नहीं पड़ती है, गोल्डन कप के अंदर में आती है चाय का ये कलर। मैंने जो देखा था बाघ बकरी का, काफ़ी गोल्डन कलर के अंदर में भी ब्राइटनेस थी, एक चमक थी चाय के अंदर में, जो कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा इसके अंदर में। कैमरे की वजह से हो सकता है कि आपको ये दिखे नहीं इसकी ब्राइटनेस, बट ये ब्राइटनेस काफ़ी अच्छे तरीके से थी इस चाय के अंदर में। और मैं ये बताना चाहूँगा कि गुजरात से काफ़ी मेरे पास में फ़ोन आते हैं, ऑल ओवर गुजरात के अंदर में हमारी सप्लाई है। वैसे कोलकाता के अंदर में पिछले ब्रिटिश के टाइम से ही चाय का मेन सेंटर कोलकाता ही रहा है। फर्स्ट आपका ऑक्शन हाउस जो है चाय में कोलकाता में रहा है। तो आप लोग रेगुलर वे के अंदर में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ में रेगुलर बिजनेस कर सकते हैं। और आपको यदि अपना ब्रांड खड़ा करना है या छोटा 1-2 बोरा लेके भी यदि कोई छोटा भाई भी यदि काम करना चाहे चाय का, या आपके परिवार में कोई करना चाहे, तो इस वीडियो को शेयर करिए। यदि आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में चाहिए, आप हमें फ़ोन करके पता करिए, हमारी टीम से पता करिए। कई बार हो सकता है कि हमारे फ़ोन काफ़ी बिजी रहते हैं तो उसकी वजह से हमने एक और भी फ़ोन ऐड किया है उसके अंदर में। आप उस नंबर को नोट कर सकते हैं 9007125528, और मेरे पुरानी जो नंबर है 8109212138 9108605041 ये नंबर है। आप अपने दोस्तों के साथ में ये नंबर शेयर कर सकते हैं। एंड फर्दर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आज जो बनाने जा रहा हूँ वीडियो, वो क्या है कि हर ब्रांड को लेके सेपरेट बनाना चाहता हूँ। बाघ बकरी के अंदर जो चाय है आपकी आसाम की चाय है, चाय अच्छी है,
रेगुलर वे में आपको हमसे चाय चाहिए मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब चाय के दाम ऊपर जाएंगे तो थोड़ी आपको महंगी ख़रीदनी पड़ेगी, चाय के दाम जब नीचे जाएंगे तो आपको सस्ते ख़रीदनी पड़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान हमेशा इस बात का देना है कि आपका मार्केट बंद ना हो, आपके कस्टमर न टूटे, क्योंकि कस्टमर को बनाने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को खटनी करनी पड़ती है। जब आप होलसेल की दुकान से ख़रीदते हैं तो उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कस्टमर टूटता है या बनता है, बट क्या है, कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश है कि जो ब्रांड भी आप हमें बेचते हैं उस ब्रांड के कंपेयर में हम आपको चाय को डेवलप करके देते हैं। ये हमेशा हमारा प्रॉमिस रहता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।